कोई भी औरत प्यार की भूखी नहीं होती। अगर उसे कम प्यार दोगे तो वो समझौता कर लेगी, लेकिन अगर सम्मान नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे, तो वो अंदर से मर जाएगी। फिर चाहे लाख कोशिश कर लो, वह तुम्हें अपने दिल तक कभी नहीं पहुंचने देगी। इसीलिए किसी औरत को उपहार में देने वाली सबसे कीमती चीज जो है वह है सम्मान। क्योंकि एक औरत मोहब्बत करने वाले को शायद भूल भी जाए, लेकिन इज्जत करने वाले को जिंदगी भर नहीं भूलती। ये इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि औरत की इज्जत क्या है। ये बात मर्द को तब समझ में आती है जब वो खुद एक बेटी का बाप बन जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता को त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। इस दुनिया की अजीब रीत है, एक मर्द दुनिया में आता है औरत के जरिए। उसको पालती पोसती भी एक औरत है, उसको प्यार भी एक औरत से ही होता है, वह शादी भी एक औरत से करता है, और हैरानी की बात यह है कि फिर भी वो मर्द औरत की इज्जत नहीं करना जानता। सब कहते हैं कि औरत का अपना कोई घर नहीं होता, पर सच्चाई ये है कि औरत के बिना कोई घर घर नहीं होता। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक औरत अकेली ही काफी होती है किसी भी घर को स्वर्ग बनाने के लिए। दोस्तों, ये महज बातें नहीं है, ये जिंदगी की हकीकत है। एक औरत का जीवन संघर्षों से भरा हुआ होता है। कभी कभी लगता है कि औरत होना एक सजा है। ना पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, पढ़ ले तो पढ़ाई का घमंड है। सबसे मिलकर रहे तो चालाक, मिलकर ना रहे तो घमंडी कहलाती है। दोस्तों, इस समाज ने केवल यही सीखा है कि पर्दा लगा दो औरतों की इज्जत बचाने के लिए, और इस समाज का क्या जो खुद खड़ा है उसे नोच खाने के लिए। कहते हो तुम औरत की इज्जत के रखवाले हो, जबकि सच ये है कि तुम ही अकेले उस पर कीचड़ उछालने वाले हो। अगर एक औरत रिश्ता निभाना चाहे तो वो झोपड़ी में भी खुश रहती है, लेकिन रिश्ता ना निभाना चाहे तो महलों को भी ठुकरा देती है। माँ ने रोक टोक लगा दी, उसे प्यार का नाम दे दिया। पिता ने बंदिशें लगा दी, उन्हें संस्कारों का नाम दे दिया। सास ने कहा अपनी इच्छाओं को मार दो, उसे परंपराओं का नाम दे दिया। ससुर ने घर को कैद खाना बना दिया और उसे अनुशासन का नाम दे दिया। पति ने थोप दिए अपने सपने, अपनी इच्छाएं, और उसे वफा का नाम दे दिया। ठगी सी खड़ी औरत जिंदगी की राहों पर, और तुमने उसे किस्मत का नाम दे दिया। बेटी से कहते हो कि कभी घर की इज्जत खराब मत होने देना। कभी बेटे से क्यों नहीं बोलते कि किसी घर की इज्जत को खराब मत करना। दोस्तों, वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं चाहिए, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं चाहिए, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं चाहिए, जीवन में तकलीफें आए तो घबराना नहीं चाहिए, और कभी भी किसी नारी को सताना नहीं चाहिए। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की सोच बदल दे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भरे और आपको दिखाए एक नई दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।